एंड वेलकम बैक टू 2022। वेलकम बैक नहीं, ओनली वेलकम। तुम लोग फिर से आ रहे हो क्या 2022 में? तुम फ्यूचर में रहते हो? आज है साल का पहला दिन और आज ही नुकसान हो गया। जो पत्तों का घर है ना, मैंने पिछले साल बनाया था, एक साल बाद उसको इसने गिरा दिया। ये बहुत नॉटी है, तेरे को मारूंगा मैं। ऐसे मारेगा रे? ऐसा मारूंगा, समझा? और साल के पहले दिन पे पप्पा ने कुछ रेजोल्यूशन लिए जो वो बाद में फॉलो नहीं करने वाला है, पता है मुझे। पहले दिन जोश जोश में आके सब लोग रेजोल्यूशन बना लेते हैं, फॉलो कोई नहीं करता। पप्पा ने रेजोल्यूशन लिए कि वो इस साल एकदम सुधर जाएगा, अच्छा बच्चा बनेगा वो, अपनी वोकैबुलरी में थोड़े शब्द भी सीख के आएगा, मतलब हाँ के अलावा भी कुछ और सुनने मिलेगा आपको। और पप्पा ने ये भी ठान लिया कि वो खुद से मेहनत करके बहुत पैसे कमाएगा, मतलब तू मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ना। और साल के पहले दिन इसने मुझे बहुत बुरी खबर सुनाई है। इसने कुछ लोगों को थोड़े पैसे दिए थे, अपने राजू जैसे लोगों को। ये बहुत देर से पैसे मांग रहा है उनसे, बट वो दे ही नहीं रहे। बेचारे मेरे पप्पा को फंसा दिया। अब इसने बोला है कि इस साल मैं उनसे जाके पूरा वसूली करके आऊं, मतलब आज मैं फुल वसूली भाई बन गया हूं बेटो, एक एक पैसे का हिसाब चुट्टा करके आएंगे। आई अग्री कि ये थोड़ा बुद्धू है, लेकिन इसका मतलब तो इसका फायदा उठाओगे। तुम लोगों ने कहीं किसी को पैसे नहीं दिए ना? अगर दिए तो खुद ही वसूली भाई बनो, मैं नहीं जाने वाला भाई। ये लोग कभी पूल के बाहर नहीं निकले, ये लोग क्या पैसे देंगे? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग उस टाउन आ चुका है, जरा गौर से देखिए इस विलेज को। मैंने इन लोग से बात की है, ये लोग बोले कि वो लोग पप्पा का एक रुपया भी नहीं लौटाएंगे। अब मुझे लगता है मुझे आखिरी ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना ही पड़ेगा, इस पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा मैं। वो भी कैसे पता है? फॉर एग्जाम्पल ऐसे। जी हाँ, ये फुल रियलिस्टिक माइनक्राफ्ट है, इतना रियलिस्टिक है लोग चौंक जाएंगे देख देख के भाई। फुल ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बिखेर दूंगा इस पूरे विलेज को, देखते हैं इसके अंदर क्या है। यस, ये दरवाजा भी ऐसे खुलता है, फुल एकदम रियलिस्टिक है। अभी फिलहाल इस विलेज के अंदर कोई नहीं है, दिखने में भी बहुत ओपी है। आई नो, इसी ओपीनेस के लिए सब्सक्राइब कर दो, दिखने ही नहीं चाहिए तुम्हारी। आउच, कैमरा लग गया। दोनों को फोड़ फोड़ के डिस्ट्रॉय कर दो पूरा, जाके फॉलो करो मुझे उधर। चलो इस विलेज को डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन 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 मेरे पास अभी सिर्फ ये हथौड़ा ही है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक घर को एक यूनिक तरीके से डिस्ट्रॉय करूँ, और उसके लिए मुझे चाहिए बहुत सारा सामान जो कि मुझे मिलेगा इस कैसल में। तो मैं ये कैसल में आया हूँ सिर्फ वेपन्स लूटने के लिए, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, या फिर करके भी जाएंगे मूड के ऊपर है मेरे। माइनक्राफ्ट में सबसे पहले क्या करते हैं? पेड़ तोड़ते हैं ना। आये हाय, क्या वस्तु गिर रहा है यार तू, आजा लौंडे। चलो रियलिस्टिक माइनक्राफ्ट तहस नहस करने वाला हूँ ऐसे ही। ये पेड़ गिर क्यों नहीं रहा है भाई, इतना पतला खड़ा है। हाँ तोड़ो और तोड़ो, अब जाके गिरा पेड़, मेरे ऊपर ही गिर रहा है भाई, इतनी हिम्मत तेरी? अरे तो बॉर्डर से बाहर चला गया, इट्स ओके पेड़, गुड बाय। अगर मैं इसको एकदम नीचे खोद के देखो तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मुझे, पत्थर मिलेगा? इसके नीचे एक्चुअली बेडरॉक है। ओके फाइन, अगर मैं कासिल के पत्थर को तोड़ू तो ये नहीं टूटता है। मेरा हथौड़ा टूट जाएगा लेकिन ये पत्थर नहीं टूटेगा। दिस इज सो सैटिस्फाइंग ना, बट मेरा हथौड़ा नहीं पहुंच रहा है। ये ले भाई, अब तो पहुंचेगा ना, शाबाश। मैं इसके नीचे टनल बना के जाऊंगा गाइस। द प्रॉब्लम इज कि ये दो ही लेयर का है, खोदो खोदो इसकी। अरे यार ये दीवार फुल बेडरॉक तक है। शह, टनल प्लान कैंसिल। अब हम जाएंगे कैसल की मेन एंट्रेंस से अंदर की तरफ। सबसे पहले सारी लाइटें बुझा दी जाए, चलो बाय बाय। अच्छा साउंड इफेक्ट है ये, कोई है तो नहीं यहाँ पर? चोरी चोरी चुपके चुपके झाड़ियों के बीच में छुपेंगे हम। लगता है इस रूम के अंदर कोई तो है। दया, यहाँ पर कुछ छुपा हुआ हो सकता है। ये लकड़ा है इधर। ओके कुछ नहीं है इधर। ये पत्ता मेरे ऊपर गिर गया। ओ बाय बाय बाय, मैं कैद हो गया पत्ते के अंदर। ओके मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, ये फुल काला जादू हो रहा है, बट मैं जा सकता हूँ बाहर। 2.5 किलो का हथौड़ा है मेरे पास, कोई है क्या? खोलो दरवाजा। अच्छा दरवाजा अंदर खुलता है क्या? ओके यहाँ पर एक चेस्ट है गाइस, चेस्ट के अंदर। ए यहाँ से खुल रही है चेस्ट, खुल रही है गाइस, इसके अंदर सामान है। अरे खुलना चेस्ट, ओ तोड़ दिया। यहाँ पर एक आयरन पिकैक्स है और डायमंड का, ये डायमंड्स ही है वो, ये कॉपर है। तो इसको पूरा तोड़ते हैं, चलो थोड़ी लाइट आने दो अंदर, ठीक है ना। ये रहा, ये कॉपर इंगट्स है और ये डायमंड है भाई, इसको मैं अगर ठोकता हूँ तो आयरन का आवाज भी आता है। ये डायमंड का बाहरी दिख रहा है ना, फुल 3D में। चल डायमंड तेरे को सरकता हुआ लेके जाऊंगा मैं। सॉरी वो नहीं तोड़ना था, बट इट्स ओके, तोड़ दिया तो तोड़ो भाई, पूरा तोड़ो। चलो हम दरवाजे से नहीं जाते, हम टनल में से जाते हैं। आ गए बाहर दोस्तों। ओ वाओ, ये गेट भी भारी खुलता है। टॉइंग 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 टॉइंग, ये कांच को भी मैं तोड़ सकता हूँ, नाइस भाई। यहाँ पर बैठने के लिए जगह है, थोड़ा खाना लाया जाए प्लीज। पोहा लेके आओ, पोहा मुझे बहुत पसंद है पोहा। एक्चुअली फर्नेस को नहीं तोड़ सकते, मतलब इस हैमर से सिर्फ मैं वुड को तोड़ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे एक स्प्रे कैन मिला हुआ है और इसको हम ऐसे स्प्रे कर सकते हैं। द लाइफ ऑफ अ यूट्यूबर, हर जगह सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। एक्चुअली मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता। शह, क्या काम है इस स्टेयर का? ये तोड़ सकता हूँ ना, ऊपर की चीजें नीचे आ जाएगी, सब मेरे टकले पे गिर रहा है। यहाँ से मुझे मिला है एक एक्सटिंग्विशर। थोड़ी अपने ऊपर बारिश की जाए, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ रहे इधर आ रहे।
ओके गायब हो गया। तूने मेरे को ट्रैप किया था ना, ये ले भूसा खा। वाओ क्या दिख रहा है यार, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, सब RTX का कमाल है दोस्तों। ये टॉर्च है ना, टॉर्च को बुझाता है। चलो बाय बाय टॉर्च। ओके नहीं बुझ रहा है, इस वर्ल्ड में ये इलेक्ट्रिक टॉर्च है। अरे अरे घास ने अटका दिया यार, नॉटी घास, कॉबवेब जैसा काम करता है ये घास। यहाँ पर एक दरवाजा है, दया तोड़ दो ये दरवाजा। एक नंबर दया। ओके यहाँ पर सीक्रेट चेम्बर्स है गाइस। ओ हे हमें एक ग्लो टॉर्च मिली है, जरा देखो इसको। आई आई ओ वाओ क्या आग निकलता है ये बंदा। अरे ये वेल्डिंग भी करता है क्या, इधर आग भी लगा सकता हूँ ना। ओ भाई इधर आग लग चुकी है। नो आग अलाउड नहीं है, पूरा जला दिया भाई। बट पत्थर अभी भी तोड़ नहीं सकते, पत्थर तोड़ने के लिए कुछ तो स्ट्रॉन्ग चाहिए होगा। टॉर्च तेरे को जलाओ क्या। ओके डर गया मैं एक्चुअली, मैं जाते जाते ना पूरा कैसल जला दूंगा ब्लू टॉर्च से, बहुत मजा आएगा। ओह हे ये क्या है, मतलब ये प्लैंक को मैं ऐसे प्लेस भी कर सकता हूँ। अरे अरे उठ जा भाई, कितना सोता है, उठ उठ। ओह यस यही तो चाहिए थी मुझे गाइस, शॉटगन मिल गई। अब मैं पट्टे से, ओ पत्थर भी टूटता है। एंड गेस व्हाट, इसमें अनलिमिटेड एमो है भाई, अनलिमिटेड। दिस इज सो ग्रेट। ये कितना दूर जाता है, ओके ज्यादा दूर नहीं जाता है, बट इट्स फेयर इनफ टू दया ऑल द दरवाजास। दया शाबाश दया, दया हमारा अपग्रेड हो चुका है। बस बस दया बस, ज्यादा नहीं। कांच को फोड़ गया, कांच फुल गोल गोल बना के गिराया। यार इधर किसी का चलने की आवाज आ रही है, सच बोल रहा हूँ। ओके एज एक्सपेक्टेड यहाँ से हमें एक गन मिली है, और ये गन को हम ऐसे, हाँ छोटा गन है, छोटे छोटे होल बना सकता है ये। फुल पत्थर आर पार हो गया भाई, इसको फोड़ गया। और कौन सा कोपचा बाकी है, आई थिंक ये वाला कोपचा बाकी है। मैं यहाँ पर ऊपर भी जा सकता हूँ दोस्तों, ऊपर जाके दरवाजा खोल देंगे और यहाँ से रखवाली करेंगे। सेलमोन भाई का बॉडी गार्ड हूँ मैं, समझ रहे हो ना मित्रों। और ये फेंस पे भी एक्ट करता है, देखो इसका फिजिक्स बहुत अच्छा है। फिजिक्स में कितने नंबर आए थे तेरे, मेरे तो बहुत अच्छे आए थे भाई। गेस व्हाट गाइस, हमें यहाँ से क्या मिला है, एक पाइप बॉम्ब। पाइप बॉम्ब को है ना इधर डाल के देखते हैं, पता नहीं क्या होगा। छोटा धमाका था ये, इस घर के अंदर डालो क्या। ए, वाओ, क्या मस्त उड़ते हैं। अरे ये हाँ ऊपर पता चल जाएगा क्या है, कांच के अंदर से डालेंगे और ऐसे कुछ दिख रहा है क्या, क्या अंदर। अरे कोपचे में से कुछ ना कुछ मिल रहा है ना। अरे दया काम करो ना अपना दया। इधर से एक बॉम्ब मिला हुआ है ये तो। ओ माय गॉड ये कुछ ज्यादा हो रहा है। बॉम्ब को डालते कैसा है, ऐसा डालो क्या, फूटेगा। Nice. ये हमारे वेपन्स यहाँ पर दिखते हैं नीचे। ओ ये मेरे को नहीं पता था। ओ भाई ये तो कुछ ज्यादा ही डैमेज हो चुका है। बम्बा गाड़ी लेके आया हूँ मैं, चलो अपन अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है। ओके नीचे तो कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है तो जलाओ भाई। ओके अभी अभी नीचे गिरा है। आग लगाओ आग लगाओ। वाह भाई क्या मस्त जल रहा है भाई, इधर भी आग लगाओ। ग्रेट सक्सेस, पहला डिस्ट्रक्शन हमारा कम्प्लीट हुआ। अभी तो और बाकी है दोस्तों, कांच के ऊपर आग लगाओ तो कांच पिघल जाता है। वाह दैट्स अ नाइस डिटेल। ये गेम का नाम टेयर डाउन है बाय द वे, जिनको नहीं पता। घर के टुकड़े जल के नीचे गिर रहे हैं भाई, जरा टॉप व्यू देखो क्या मस्त जल रहा है हमारा घर। नहीं हमारा नहीं है, किसी और का है। चलो गाइस इसके अंदर है ना अपन पाइप बम। ए भाई भाई इधर ही पुटा भाई, हेल्थ ऑलमोस्ट चली गई मेरी। ओके इसमें हेल्थ भी होता है, पहले मेरे को पता नहीं था। शाबाश, मेरे को है ना ये वाला पार्ट नीचे गिराना है, बट ये कैसे गिरेगा। ये बेड है इधर, ओ माय गॉड ये दिखा नहीं मेरे को पहले। ये आग को हम बुझाएंगे, हमें आग लगाता है और हमें बुझाता है। तो ऊपर के रूम में बेड था। ओ गिर रहा है बेड, नीचे गिर रहा है। कमॉन बेड, कमॉन यू कैन डू दिस। आ गया बेड, नीचे आ गया दोस्तों। ये रहा बेड, बहुत ही खूबसूरत नहीं रहा वो। ओ भाई क्या डिस्ट्रक्शन हुआ है, फुल एपिक। फर्स्ट फ्लोर हमारा नीचे गिरने की तैयारी में है। एक नहीं गया। मैं ना कैसल के चारों पिलर्स पर ऐसे धमाके करने वाला हूँ ताकि पूरा कैसल नीचे आ जाए, समझ रहे हो ना। चलो अब जाते हैं, एंट्रेंस हो रही वहाँ पर है। बाय जलते रहो। ये इधर क्या है, बीच में रुको कुछ तो है। हटो हटो फायर, हट जाओ। डायमंड तो ऐसे ही जिंदा बचा है। डायमंड को शॉटगन से उड़ाओ क्या। बहुत जोर का उड़ा है भाई, लेकिन डायमंड को डैमेज कुछ नहीं हो रहा है, वो बस इधर से उधर उछल रहा है। डायमंड को ब्लूटॉर्च से भी कुछ डैमेज नहीं हो रहा है। द स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट इन माइनक्राफ्ट डायमंड, एक्चुअली नेदरराइट भी आ चुका है। ओके फाइन, दिस इज द रिमेन्स ऑफ द डिस्ट्रक्शन। गांव वालों मैं आ चुका हूँ डिस्ट्रक्शन के लिए तैयार। चलिए मुझे चढ़ाओ तो सही ऊपर, आई थिंक ये मुझे चढ़ाएगा। चलो और थोड़ा, हाँ बस आ गया ऊपर। ये इधर एक TNT है। ओके ये मेरे को पहले नहीं दिखा, इसको मैं क्या। ओके ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो एक TNT ने ऑलरेडी दो घरों का नुकसान कर दिया है। क्या रे TNT बोल के फूटने का ना, ऐसा अचानक से नहीं फूटने का। TNT का सिर्फ T बचा हुआ इधर, बेचारा टॉर्च भी उखड़ के गिर गया। वाह ना ऐसा टॉर्च। दया हमारा बहुत एडवांस हो चुका है, अब दरवाजे पे सीधा बॉम्ब लगाता है। एंड हियर वी गो। अच्छा इस घर में ऑलरेडी आग लग गई। ये रहा बेड इधर है। वाओ दैट्स अ लवली बेड। अरे यार गलती से बॉम्ब लगा दिया यार। नहीं नहीं नहीं
ओके फुल जला हुआ कॉबल स्टोन है भाई। एक्चुअली गाइस एक प्रॉब्लम आ चुकी है, हमारे पास बहुत लिमिटेड सप्लाई है, सिर्फ 6 ही बॉम्ब है। 6 बॉम्ब में पूरे विलेज को कैसे उड़ा सकता हूँ मैं? हमें सिर्फ एक घर उड़ाना पड़ेगा, वो घर उसी का होगा जिसने पप्पे से पैसे लिए है। लेकिन सबसे पहले एक घंटे को तो नीचे तोड़ते है ना, अब तो पक्का आ जाएगा। हाँ ये हुई ना बात, हम उछल के घंटे को नहीं मारते, हम घंटे को नीचे लेके आते हैं। बज रहा है, घंटा बज रहा है। फिर कैसल में तो अनलिमिटेड था, इधर आके लिमिट कैसे लग गया पता नहीं, उस तो झोल है दया। छोड़ना झोल है तो क्या हुआ, अपन एडजस्ट कर लेंगे। अरे यहाँ पर एकदम साफ सुथरा बेड है गाइस, अब ये साफ सुथरा ना रहा। ए, तकिया पे भी मारता है ना थोड़ा, तकिया भी तोड़ गया देखा, क्या कड़क बेड है ये, बेड पोछा होना चाहिए, कमर दुख जाएगा नहीं तो। फिर ये वो घर हो सकता है जिसने पप्पिया से पैसे लिए है, क्योंकि इसके पास बहुत सारा सामान है, ये थोड़ा अमीर लग रहा है। लगता है पप्पिया जैसे बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाया इसने। इसके पास चेस्ट भी है, एक मिनट में चेस्ट को है ना आराम से खुलना, ठीक है आराम से ऐसे, और थोड़ा पीछे जाओ ना, और थोड़ा नहीं जाता है, ओके फाइन। आई थिंक ये कॉपर है ना, रुक चेस्ट भाई, ये सच में लोखंड का है। मैं एक्चुअली चेस्ट के अंदर घुस भी सकता हूँ, ओ माय गॉड, ये मेरे को पहले क्यों नहीं समझा। लाइट रहने दो भाई, इधर बहुत अंधेरा होता है, बार बार लाइट चली जाती है ना इसीलिए। दया से आज मैं बहुत काम करवाने वाला हूँ। ये ग्राइंडस्टोन टूटता है क्या? ओ भाई टूट गया, क्या नकली ग्राइंडस्टोन है रे, गया ग्राइंडस्टोन तुम्हारा। यहाँ पर लावा होता है ना, एक्चुअली नहीं है लावा। सबसे पहले स्टार्ट विद द बेसिक्स, ओके अब यहाँ पर जाएंगे दूसरा कोपचा भाई, इधर तो मैं नीचे ही गिर जाऊंगा ना। ओके नाइस, अब इसको थोड़ा अंदर से भी फोड़ेंगे ना, है ना। बूम, ओ भाई मैं बाहर कैसे निकलूं, बचाओ, बच गया। ये है हमारा अल्ट्रा रियलिस्टिक माइनक्राफ्ट, बहुत रियलिस्टिक बनता है, ज्यादा रियलिस्टिक नहीं बनने का, फोड़ दूंगा मैं। धीरे धीरे पूरा घर जलने लगेगा, जलने लग चुका है एक्चुअली। इस टॉर्च को मैं उठा सकता हूँ, वाओ। अरे ये पप्पी तो इधर भी है, हेलो पप्पी, उड़ गया पप्पी। अरे तू फूल है, तू ऐसा क्यों फूट रहा है, नॉटी बॉय। ओके मुझे अभी भी पता चला हमारे पास लेजर गन भी है, इसकी ताकत देखो। मैं यहाँ पर ओके नहीं ये मिनी गन है सॉरी, हाँ ये लेजर गन है, मैं सिर्फ इतना करूंगा और जलना शुरू। सो पावरफुल यार, इसका एनिमेशन भी काफी भारी है। और एक स्मोक गन भी है, स्मोक गन से धुआं ही निकलता है क्या? बस ये एक मिनट, मैं हवा में कैसे उड़ रहा हूँ? ओके ओ मेरे पास जेट पैक है भाई, ये तो क्रिएटिव मोड में आ गया मैं। चलो इसको उड़ाता है, या बॉय, पूरा विलेज गया भाई। टाना ना 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 डीम, टाना ना 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 डीम। देखो तो सही, जरा क्या मस्त आग लगाई है मैंने, ड्रॉइंग विद द लेजर गन। और ये पत्थर को भी काटता है, ग्राइंडस्टोन को काटता है क्या? ओहो फुल आर पार। अरे यहाँ पर बुक्स रखी हुई है भाई, लाइब्रेरी में आग नहीं भाई, नो आग, किधर आग जल रही है, हम इन बुक्स को प्रोटेक्ट करेंगे। क्या रियलिस्टिक बुक्स लग रही है ना सच में एकदम। और इस लाइब्रेरी के ऊपर आग लगी हुई है ना, ओहो भाई भाई नो गया, कम ऑन यार। ओ भाई आग बहुत ज्यादा लग चुकी है, छोड़ लगने दे। और क्या दोनों भाइयों ने मिलकर पैसा वसूल कर दिया है। इसी डिस्ट्रक्शन के लिए सब्सक्राइब मार दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।